मानसी यहाँ पर अभी रील बनाने में बिजी है। तो हाँ, थोड़ा कंटेंट भी चाहिए। जब भी हम लोग मिलते हैं तो शूटिंग ज्यादा कर लेते ज्यादा हैं। सबके लिए एक साथ वीडियो रील सब एक साथ। हेलो एवरीवन, धर्मेश केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हमें दो केक का ऑर्डर है जो आधा आधा किलो का है और फ्लेवर बिल्कुल नया है, तो सोचा आपके साथ शेयर करें। और हम दोनों केक आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे, हाँ, तो एक आज के वीडियो में और एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दोनों ही फ्लेवर अलग है और डिजाइन्स भी हम कोशिश करेंगे कि अलग और नई डिजाइन्स बनाएं। क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि आप अपने हिसाब से हमें डिजाइन करके हाँ, दो, तो आज हम कुछ नया करने वाले नया हैं। करने वाले हैं। बहुत सारी चॉकलेट्स है, गनाश है, बहुत सारी अलग अलग डेकोरेटिव चीजें हैं, सब हमने ऑर्डर किया है। और आज एक नया बॉक्स भी है, हमने बहुत सारा नई चीजें ऑर्डर की हुई है। और ये सब हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला है कि क्या क्या हमने नए ऑर्डर किए हैं बेकिंग सप्लाइज, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हो जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ओडी को बेक पेपर ले लिया है जो बहुत ही कन्वीनियंट और हैसल फ्री है, और साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या मेटल्स नहीं है। ये हमने 6 इंचेस का टिन ले लिया है जिसमें हम इस तरह से ओडी इको बेक के कटिंग्स रख देंगे ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है वो आसानी से डीमोल्ड हो सके। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उधर जाकर आराम से बाय कर सकते हो। हमने यहाँ 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स ले लिया है जिसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और हमारा बैटर बना लेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा बैटर लम्प फ्री होना चाहिए। अगर इस केक को आपको कढ़ाई में बनाना है तो आपको प्री हीटेड कढ़ाई में 5 मिनट फुल फ्लेम पर और 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रखना होगा। तो अगर आप ये केक को ओवन में बेक करना चाहते हो तो 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इस केक को बेक कर सकते हो। अब हमारा यहाँ बैटर रेडी है, तो अब हम ये टिन में ऐड कर लेंगे और केक को बेक करने के लिए रख देंगे। तो आज जो हमने गनाश बनाया है वो मिल्क चॉकलेट से बनाया है, क्योंकि उनको डार्क चॉकलेट का नहीं चाहिए, मिल्क चॉकलेट का चाहिए था। तो हमने 400 ग्राम मिल्क चॉकलेट में 150 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड करके गनाश बनाया है। जैसे हम नॉर्मल गनाश बनाते हैं वैसे ही बनाया है। और जब हम डार्क चॉकलेट से गनाश बनाते हैं तो उसमें 1/2 रेशियो रहता है, लेकिन आज जो हमने मिल्क चॉकलेट से गनाश बनाया है उसमें हमने 400 ग्राम मिल्क चॉकलेट में 150 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड की है, और कुछ नया है नहीं। तो गनाश हमारा बन गया है, तो इसे हम फ्रिज में 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे ताकि हमें स्प्रेड करने के लिए आसान नहीं रहे। हमने आज 2 केक स्पॉन्ज बेक किए हैं, एक 6 इंच में और एक 5 इंच में, और दोनों चॉकलेट फ्लेवर के ही हैं। तो यहाँ पर हमारा केक स्पॉन्ज बेक हो गया है अच्छे से, और इसे 2 भाग में कट करना पड़ेगा ना। हाँ, 2 भाग में कट कर लेंगे। ये सबसे पहले चॉकलेट गनाश फ्लेवर हम बना रहे हैं, मिल्क चॉकलेट गनाश फ्लेवर, और बहुत सारे चॉकलेट से डेकोरेशन, न्यू फ्लेवर भी है, न्यू डिजाइन भी है, सब एक साथ। मानसी नेल पेंट अच्छी लगाई है। थैंक यू। हर एक फिंगर में अलग अलग। हाँ, नेल पेंट का भी मुझे बहुत शौक है। दिख रहा है। अभी ये स्पॉन्ज हमने कट कर लिया है, अब हम इसे अच्छे से सोक कर लेंगे। और चॉकलेट स्पॉन्ज में हमें थोड़ा ज्यादा सोक करना पड़ेगा, स्पेशली जब हम गनाश वाली केक बनाते हैं तभी हम थोड़ा ज्यादा सोक करते हैं, क्योंकि चॉकलेट पानी बहुत लेता है, चॉकलेट स्पॉन्ज पानी बहुत सोक करता है जल्दी से, इसलिए थोड़े से अच्छे से हमें इसे सोक करना पड़ेगा। अब हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज अच्छे से सोक हो गया है, अब हम इसका फ्रॉस्टिंग मिल्क चॉकलेट गनाश से करेंगे। आज भी हम लोग बेडरूम में है क्योंकि आज किचन थोड़ा बिजी है, वहां पर कुकिंग भी हो रहा है, लंच भी बन रहा है, और लाइट्स भी बहुत कम है, बारिश के वजह से बहुत लाइट्स कम है। अभी बारिश में थोड़ा शूटिंग का ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा।
लाइट बहुत कम आती है। हमारे गनाश की कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर हो गई है और ये मैनेजेबल भी है, तो हम इसे फ्रॉस्टिंग में लगा देंगे। अब हम गनाश को पाइपिंग बैग में भर लेंगे ताकि हमें फ्रॉस्टिंग करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने स्पंज आधा किलो का बेक किया है, मतलब एक कप का बेक किया है, जिसमें से हमारा केक 1 kg का बनेगा, क्योंकि इसमें गनाश ज़्यादा रहेगा, चॉकलेट्स ज़्यादा आएगी और गनाश का वज़न भी ज़्यादा है, तो पूरा मिलाकर डेकोरेशन भी मिलाकर, क्योंकि हम डेकोरेशन भी चॉकलेट गनाश का ही करने वाले हैं, बाहर का लेयर कोई भी क्रीम या वैसा नहीं रहेगा, पूरा चॉकलेट गनाश से ही हम केक को भी कवर करने वाले हैं, इसलिए टोटल इसका वजन 1 kg हो जाएगा। और डेकोरेशन में हमें चॉकलेट का भी ज्यादा यूज करना है, तो उसका वजन भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमें 1 kg का केक बनाना है तो हमें 2 कप का ही प्रीमिक्स का 2 कप प्रीमिक्स को ही बेक करना पड़ेगा। आप कौन सा केक बना रहे हो उस पर डिपेंड रहेगा। अगर गणेश वाला केक है तो थोड़ा कम प्रीमिक्स, और सिर्फ क्रीम से बना रहे हो तो 2 कप का प्रीमिक्स आराम से 1 kg के लिए हो जाता है। अब हम इस तरह से, आप कलर डिफरेंस देख सकते हो कि डार्क चॉकलेट का गनाश सिमिलर रहता है स्पॉन्ज से, लेकिन ये मिल्क चॉकलेट में कलर डिफरेंस भी होता है। गनाश अच्छा बना है ना। गनाश बहुत मस्त है, इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है और स्मूथ भी है और एकदम मैनेजेबल भी है। अगर आप गनाश परफेक्ट मेजरमेंट से बनाते हो तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर गनाश में मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसका टेक्सचर से लेकर कंसिस्टेंसी है सब में चेंज आ जाएगा। अगर आपका मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है तो टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, फिर स्प्रेड करने में आपको कितनी मेहनत लगती है, वो सब डिफर होगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए गनाश का प्रॉपर मेजरमेंट लेना जरूरी है। डार्क चॉकलेट कंपाउंड से जो हम गनाश बनाते हैं उसकी तो रेसिपी हमने शेयर की हुई है, और मिल्क चॉकलेट की भी हम बहुत जल्द शेयर करेंगे। अब हम केक में कैडबरी चॉको बेक्स डालेंगे। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ज्यादा कमेंट्स रहेगी तो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे क्योंकि अभी सब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने ही वाला है इसलिए। और इस तरह के केक आप रक्षाबंधन में भी बनाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा और टेस्ट में तो अमेजिंग है ही। अब हम जेम्स भी ऐड कर देंगे ताकि जब कट करें तो कलरफुल दिखे और खाने में क्रंच भी अच्छा लगेगा। हाँ, खाने में क्रंच भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा गनाश इस तरह से स्प्रेड करेंगे ताकि सब चीजें अच्छे से चिपक जाए। अब हम सेकेंड लेयर भी रख देंगे अच्छे से, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि पूरे शेप केक का इवन हो जाए प्रॉपर, किधर ऊपर नीचे ना हो, इसलिए। अब हम इस तरह से साइड से भी कवर कर लेंगे ताकि हमारा केक परफेक्ट स्ट्रेट बने। अब मैं यहाँ स्पैचुला पर थोड़ा सा पानी लगा दूंगी और इससे हम फिनिशिंग करेंगे ताकि हमारा गनाश एकदम मैनेजेबल हो जाए। थोड़ा सा पानी लगाने से केक को कुछ नहीं होता या गनाश को भी कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा गनाश का फिनिशिंग अच्छे से हो जाता है। जिधर गैप्स दिखते हैं वो हमें रिफिल करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हमारे साइड्स परफेक्ट कवर हो गए हैं। अब हम ऊपर भी अच्छे से सोक कर लेंगे और उसके बाद इस पे भी गनाश लगा देंगे ताकि हमारा क्रम कोटिंग अच्छे से हो जाए और हमें फाइनल फिनिशिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम ऊपर बहुत ही थोड़ा सा गनाश लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्रम कोट ही करना है, और क्रम कोटिंग करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा फाइनल फिनिशिंग जब हम करें तो इसके क्रम्स ना निकले।
अगर हम स्पैचुला को गीला नहीं करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एक स्टेप सिर्फ मिस किया मैंने, फिर भी थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो गया। अब हम इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए सेट कर देंगे ताकि सारे क्रम्स गनाश के साथ चिपक जाए। अब हम इसका डेकोरेशन डायरेक्ट केक बोर्ड पर ही करेंगे क्योंकि फिर से निकालना, टर्न टेबल पर डालना वो पॉसिबल नहीं रहेगा, इसलिए हम डायरेक्ट केक बोर्ड पर ही करेंगे। तो अभी मैं इसे फिर से मिल्क चॉकलेट गनाश से पूरा केक को कवर कर लूंगी। पानी से स्पैचुला को डिप करना बहुत ही जरूरी है वरना पूरा केक के साथ गनाश बाहर निकल सकता है। अभी थोड़ा थोड़ा जहाँ स्पॉन्ज दिख रहा है वहाँ हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट गनाश लगा देंगे। वैसे तो चॉकलेट पूरी कवर होने ही वाली है लेकिन थोड़ा अच्छे से हम फिनिशिंग इसका आ जाएगा इसलिए। अब इसे हम थोड़ी देर और फ्रीज में रखेंगे और उसके बाद हम इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने केक को फ्रीज से निकाल लिया है, अब हम इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे। थोड़ा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे पानी ताकि हमारे लिए फिनिशिंग करना आसान हो जाए। और मैंने थोड़ा सा स्पैचुला पे भी पानी स्प्रिंकल कर दिया है, देख सकते हो कि फिनिशिंग करना कितना आसान हो रहा है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग हो रहा है। अभी उसी तरह से ऊपर भी हम फिनिशिंग कर देंगे। हमारा यहाँ फिनिशिंग करके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ जो एक्सेस है वो सब, हमारा जो बोर्ड खराब हुआ है वो हम किचन पेपर से अच्छे से पहले साफ कर देंगे, फिर आगे का फाइनल डेकोरेशन कर लेंगे। अब हम यहाँ केक को ड्रिप से कवर कर देंगे और ये केक की प्राइस आप 2000 to 2100 रख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ मिल्क चॉकलेट गनाश यूज किया है। बहुत सारी चॉकलेट्स हम यूज करने वाले हैं जो ब्रांडेड है, इसका वजन भी 1 kg के अराउंड है तो इसकी हम प्राइस उतनी रखेंगे। हमारे ड्रिप्स यहाँ रेडी हो गए हैं, अब हम यहाँ थोड़ा सा बेल्ट बना लेंगे ड्रिप्स का। बहुत ही सिंपल है। अब हम यहाँ इस तरह से इसे फिनिशिंग कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा बेल्ट बन जाए चॉकलेट का। अब हम यहाँ बहुत सारी चॉकलेट्स एक साथ लगाने वाले हैं। और इसमें भी आप अपने हिसाब से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो, आप जो चाहो, आपको जो अच्छा लगे वो। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा डेकोरेशन किया है तो आप भी जब ये केक बनाओ तो आप ये ही डेकोरेशन करें, आप कोई अलग भी डेकोरेशन कर सकते हो। आप कोई भी डेकोरेशन कहीं भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए हम वाइट डालेंगे यहाँ। यहाँ जो इक्लेयर्स आती है वो भी मैंने यहाँ हाफ कर इस तरह से रख दिया है। तो
फाइनली हमारी केक यहाँ रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ नाम लिखना है और इधर लगाना है, तो वो हम गनाश से सबसे पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे। अब इस तरह का जो बटरफ्लाई है वो भी हम रख देंगे। ये हमारी प्रॉपर चॉकलेट ओवरलोडेड केक भी बोल सकते हो, मिल्क गनाश केक भी बोल सकते हो, अब जो भी नाम देना चाहो। ये केक बहुत ही यम्मी लगेगी क्योंकि ये केक सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट से बनी हुई है और बहुत सारी चॉकलेट्स हम लोग ने ऐड भी की है, तो ये चॉकलेट लवर्स को तो जरूर गिफ्ट कीजिएगा या तो चॉकलेट लवर्स के लिए जरूर बनाएगा। तो आपको ये मिल्क चॉकलेट गनाश केक कैसी लगी वो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएगा, और हमारे चैनल धर्मीस केक एंड बेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी और नई केक रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।